जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए अपनी पूरी मेहनत से हर महीने का राशिफल बनाता रहूँगा। देखिए, आप लोग यदि मुझसे क्वेश्चन अर्थात प्रश्न पूछना चाहते हैं और यदि आप किसी कारणवश फीस देने के इच्छुक नहीं हैं या फीस नहीं दे पा रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट जैसा आप देख रहे हैं जो है astrologyforum.net, इस पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। परंतु आपको वही प्रश्न मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछना होगा और सेम प्रश्न का रेफरेंस आपको मेरी वेबसाइट पर भी देना होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखिए, अर्थात आपको दोनों जगह सेम प्रश्न पूछना है और जब आप मेरी वेबसाइट पर वो प्रश्न पूछेंगे तब आपको उस प्रश्न का रेफरेंस देना होगा कि आपने मेरे किस वीडियो में ये प्रश्न पूछा है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, हो सकता है उसमें थोड़ा विलंब क्यों ना हो जाए, परंतु मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हम इस वीडियो में सिर्फ मकर लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस अर्थात प्रेम संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहां प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ला लिखा होगा, तो ये मासिक राशिफल नवंबर 2020 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम बात करेंगे आपके कैरियर और व्यवसाय संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, 1 से 15 नवंबर तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ सूर्य और बुध आपकी कुंडली के दशम भाव में है जो कि तुला राशि है, सूर्य की नीच की राशि। सूर्य आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण मारक ग्रह हैं, तो यहाँ आपको अपने कार्य को लेकर एक तनाव बनने की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है। आपका यदि यहाँ प्रमोशन ड्यू है तो आपको यहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको यहाँ अपने कार्य स्थान पर किसी प्रकार के झगड़े होने की भी संभावना बनी हुई है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए और किसी भी प्रकार की बहसबाजी में आप ना पड़े, आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपनी ही राशि में है, तो यहाँ उन जातकों को लाभ मिलता दिखाई देगा जो लोग विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, जो लोग विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन के बिजनेस से जुड़े हैं, जो लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके स्टूडेंट्स को विदेश भेजते हैं, ऐसे जातकों को यहाँ बहुत अधिक लाभ मिलता दिखाई देगा। देखिए, यहाँ राहु कुंडली के पंचम भाव में वृषभ राशि में है जहाँ से वो कुंडली के नवम भाव को देख रहे हैं, जहाँ शुक्रदेव हैं, तो यहाँ ऐसे जातकों को लाभ मिलता दिखाई देगा जो लोग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग कपड़े के व्यापार से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ लाभ मिलने की संभावना बहुत अधिक बनी हुई है। देखिए, 16 से 20 नवंबर तक आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए, यहाँ सूर्यदेव आपकी कुंडली के 11वें भाव में जा रहे हैं जहाँ केतुदेव हैं जो कुंडली का लाभ भाव भी है, तो यहाँ आपकी कुंडली के लाभ भाव में ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ आपको अपनी मेहनत के अनुसार लाभ नहीं मिल पाएगा। आप अपने जॉब को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन ना लें। आपको यदि प्रमोशन मिलना है तो वो यहाँ मिलता दिखाई नहीं देगा। यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स इन गेटिंग प्रमोशन, अर्थात आपको प्रमोशन मिलने में यहाँ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, इसका विशेष ध्यान रखिए। आपको मानसिक परेशानी अपने कार्य को लेकर यहाँ बढ़ सकती है। देखिए, आप यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गलत निर्णय अपने कार्य को लेकर ले सकते हैं, हो सकता है आप जॉब चेंज करने की सोचें,
हो सकता है आप बिजनेस में पैसा लगाने की सोचे, परंतु आपको बहुत अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि सूर्य का ये गोचर आपको बहुत अधिक परेशानी में यहाँ डाल सकता है, आपको बहुत अधिक तनाव में यहाँ डाल सकता है, आपको मानसिक परेशानी आपकी यहाँ बढ़ सकती है, आपको नुकसान होने की संभावना यहाँ बहुत अधिक बनी हुई है। आपको अपने लिए हुए डिसीजन पर यहाँ बाद में पछतावा हो सकता है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। वर्तमान गोचर में मंगल देव भी आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, तो यहाँ आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी और ग्रहण दोष आपको आपकी मेहनत अनुसार फल नहीं मिलने देगा, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर है, तो उन जातकों को यहाँ स्टेबिलिटी अपने कार्य में मिलती दिखाई देगी, जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग आटा दाल चावल के व्यापार से जुड़े हैं, जो लोग मैन पावर सप्लाई के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, उनको यहाँ धीरे धीरे आने वाले समय में एक स्टेबिलिटी अपने कार्य में मिलती दिखाई देगी। देखिए 20 से 25 नवंबर तक आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए गुरु अपनी राशि छोड़कर मकर राशि में जा रहे हैं, जो कि इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। गुरु का ये गोचर आपके कैरियर पर क्या प्रभाव डालेगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए गुरु आपके लग्न भाव में जा रहे हैं जहाँ शनिदेव हैं, तो यहाँ आपकी आत्मशक्ति में वृद्धि होगी, आपकी सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, उनको जो तनाव अपने पार्टनर्स को लेकर बना हुआ था वो यहाँ कम होता दिखाई देगा। देखिए यहाँ से गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ स्टूडेंट्स को जो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी वो यहाँ कम होती दिखाई देगी। गुरु यहाँ राहु के नकारात्मक प्रभावों को भी कम करेंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर है, अर्थात कुंडली के भाग्य भाव पर, और यहाँ गुरु की भी दृष्टि है, तो आपके भाग्य संबंधित जो भी अड़चने आप फेस कर रहे थे वो यहाँ समाप्त होती दिखाई देंगी, आपको आपका भाग्य साथ देता दिखाई देगा। यहाँ जो लोग वॉइस रिलेटेड कार्य से जुड़े हैं, जो लोग एजुकेशन के कार्य से जुड़े हैं, जो लोग धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को यहाँ अधिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। देखिए 25 नवंबर के बाद आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। देखिए बुध आपकी कुंडली के लाभ भाव में, अर्थात कुंडली के 11वें भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ आपकी सोच विकृत हो सकती है, यहाँ आपकी अपने कार्य को लेकर मानसिक परेशानी बहुत अधिक बढ़ सकती है, आप अपने कैरियर संबंधित, अपने बिजनेस संबंधित किसी भी प्रकार का कोई निर्णय यहाँ ना लें, आपको परेशानी हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो ये था आपके कैरियर संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके हेल्थ और स्वास्थ्य संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मकर लगने के जातकों को सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, तो आपको उसे सीरियसली लेना है। देखिए वर्तमान समय आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, आपको यहाँ अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। देखिए 2 से 4 नवंबर और 8 से 10 नवंबर के बीच आपको बहुत अधिक बेचैनी महसूस हो सकती है, आपको रक्त से संबंधित बीमारी यहाँ बढ़ सकती है, आपको यदि किसी प्रकार की हड्डियों से संबंधित बीमारी भी है तो आप अपना विशेष ध्यान रखिए, आपको यहाँ नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। आप लोग मेडिटेशन करते रहें और ओम का उच्चारण रोज 108 बार करें, आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए ये समय आपके फाइनेंसेस अर्थात वित्त के लिए शुभ समय नहीं है, आपको 15 नवंबर के बाद बहुत अधिक सावधान रहना होगा, आप किसी भी प्रकार का फालतू खर्चा ना करें, आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में यहाँ बहुत अधिक परेशानी आ सकती है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए आप लोग 15 से 18 नवंबर के बीच किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश ना करें, आपको नुकसान हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखिए। तो ये था आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए जो लोग सिंगल हैं
वो 10 से 12 नवंबर के बीच किसी प्रकार के रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, अर्थात आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ पड़ सकते हैं। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको 20 नवंबर तक का समय आपके तनाव को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। आपको यहाँ अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशानी बहुत अधिक बढ़ सकती है, आप इसका विशेष ध्यान रखिए। तो ये था आपके रोमांस संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके परिवार और फैमिली संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, 15 नवंबर के बाद आपका आपके जीवन साथी के साथ यदि किसी प्रकार का कोई तनाव बना हुआ था तो वो यहाँ कम होता दिखाई देगा। यदि आपका किसी प्रकार का कोई मानसिक परेशानी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर थी तो वो यहाँ कम होती दिखाई देगी। आपको मन की शांति यहाँ महसूस होगी। आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस यहाँ कम होता दिखाई देगा। देखिए, 20 नवंबर के बाद यदि आपका आपके माता पिता के साथ किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था तो वो भी यहाँ कम होने की संभावना बनी हुई है। देखिए, नवंबर के महीने में आपका आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब हो सकता है। आपको अपने भाई बहनों के साथ एक प्रकार का मानसिक तनाव आप महसूस करेंगे। आपके रिलेशन में यहाँ बहुत अधिक परेशानी आ सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। तो ये था आपके परिवार संबंधित नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, आप इस बात का सदैव ध्यान रखिए कि सूर्यदेव और गुरुदेव आपकी कुंडली में मारक ग्रह हैं। देखिए, गुरु का हमारी कुंडली में मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। यदि गुरु आपकी कुंडली में कमजोर हैं, मारक हैं, तो आपके घर में कलेश बना रहेगा। आपको संतान सुख में समस्या होगी। आपका मानसिक तनाव सदैव बना रहेगा। आपके कार्य में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुरु का स्ट्रांग होना बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज आप जो मेहनत करेंगे आपको उसके उतने अच्छे परिणाम यहाँ नहीं मिल पाएंगे। तो आपको क्या उपाय करने हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आप रोज सुबह स्नान करने के पश्चात एक तो सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें, जो है ओम राम रीम रोम से सूर्य नमः। आपने बीज मंत्र का जाप करने के पश्चात सूर्य को जल चढ़ाना है। देखिए, नवंबर के महीने में केतु और सूर्य की युति आपकी कुंडली के लाभ भाव पर है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। और आपको 27 नवंबर को प्रातः 6 बजकर 53 मिनट से साय 5 बजकर 24 मिनट अर्थात शाम के 5 बजकर 24 मिनट के बीच किसी गरीब को कंबल का दान करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखिए। देखिए, इस समय का और स्थिति का आपने बहुत ही अधिक विशेष ध्यान रखना है। आप गुरु के बीज मंत्र का जाप रोज सुबह 108 बार करें, जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग रोज सुबह उठकर एक तुलसी का पत्ता खाली पेट गुनगुने पानी से लें। आप थोड़ा देसी गुड़ रोज खाएं और गुड़ खाने के पश्चात आप थोड़ा पानी पिए, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी होगी। इससे स्टूडेंट्स को फोकस करने में लाभ प्राप्त होगा। देखिए, जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनको 13 नवंबर और 27 नवंबर को प्रदोष व्रत करना है। उस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठें, उठकर स्नान करें, शिव मंदिर जाएं और वहां 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप इस दिन शिव चालीसा पढ़ें और छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और विवाह में जो भी आप अड़चने फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था मकर लग्न के जातकों के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।